बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाफिज़ फिज़ान अहमद एंड यू आर वाचिंग लाहौर रियल एस्टेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। DHA की फाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 11th October 2023 के DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्राइसेस फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड के हवाले से भी एक वीडियो के एंड में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। फाइल प्राइसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेज़ 5M एक्सटेंशन को। बात कर लेते हैं 5 मल्ला की। तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 70 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम फेज 7 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल 40 लाख 50 थाउजेंड, जबकि एलोकेशन फाइल 39 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 7 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 7 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 58 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। 4 मल्ला कमर्शियल को डिस्कस करेंगे। तो करंटली मोजा संगतपुरा की एफिडेविट 2 करोड़ 40 लाख, जबकि मोजा करबाट की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। फेज 8 IVY ग्रीन की फाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 56 लाख 75 थाउजेंड, जबकि एलोकेशन 52 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 46 लाख 50 थाउजेंड में अवेलेबल है। बात करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 93 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे 1 कनाल कैटेगरी को। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 55 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम DHA लाहौर फेज 10 की फाइल्स को भी देखें, तो पिछले 3 से 4 दिन से हमें रेट्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। कोई कंफर्म अवेलेबिलिटी नहीं आ रही फाइल्स की, ना तो एफिडेविट की और ना ही एलोकेशन की। इसलिए हम करंट रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम 10 मल्ला 1 कनाल 8 मल्ला 5 मल्ला, ओवरऑल जितने भी कैटेगरीज हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल कैटेगरी, इनमें भी फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। रेट कंफर्म नहीं है, फाइल्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी हार्ड टू फाइंड है। इस वजह से हम करंट रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। फर्दर मूविंग ऑन, हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज 13 की फाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एलोकेशन फाइल 25 लाख 40 थाउजेंड में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम फेज 13 की 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फाइल 38 लाख 75 थाउजेंड में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 67 लाख 25 थाउजेंड में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA फेज 9 टाउन को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 52 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली 50 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की करंट अवेलेबिलिटी नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 50 लाख, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे रबर सेक्टर 4 की फाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 45 लाख 50 थाउजेंड में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फाइल 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली अवेलेबल नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
प्राइस से फ्लक्चुएशन को, मार्केट ट्रेंड को देख लेते हैं कि कल से अभी तक हमें किन कैटेगरीज में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम कैटेगरीज में जो है हमें स्टेबिलिटी ही देखने को मिली है, और जिन कैटेगरीज में ज़्यादा हमें ट्रेडिंग देखने को मिली है तो जो रेट की अप्स एंड डाउन है वो भी हमें उन्हीं कैटेगरीज और फेजेस में ही करंटली देखने को मिल रही है। स्टेबल फेजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो फेज 5, फेज 7, IVY ग्रीन, 9 प्रिज्म, 9 टाउन और अर्बर सेक्टर 4, इनमें हमें किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल हैं। फेज 10 का मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेस्ट रेट के लिए आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। उसका अगर आपको मैं ट्रेंड के हवाले से थोड़ा बहुत बताता चलूँ तो हमें उसमें अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, प्राइसेस पिछले 4 से 5 दिन से उसमें अप्रिशिएट होती नजर आई हैं। अपवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो फेज 13 की 5 मल्ला कैटेगरी, और डाउनवर्ड ट्रेंड में देखें तो फेज 13 की 10 मल्ला और 1 कनाल कैटेगरी, इनमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।